तो हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो पे। तो आज की वीडियो में बेसिकली कुछ नहीं बताने वाला हूँ मैं, जो भी काम चल रहा है गाड़ी पे तो उसी के बारे में आपको एक अपडेट दे रहा हूँ कि अब तक क्या हुआ है। तो ये टूटी थी 11 फरवरी 2022 को, तो उस टाइम पे इसकी हालत बिल्कुल खस्ता हो गई थी एक्सीडेंट होने के बाद। उसके बाद मैंने 16 तारीख को इसकी जमानत करवाई थी गाड़ी की, और 17 तारीख को मैंने इसको टाटा मोटर को हैंड ओवर कर दिया था। तो उसके बाद से क्या कुछ हुआ उस पे और कितनी बुरी हालत कर रखी है उन्होंने। तो उन्होंने क्या, बेसिकली गाड़ी रिपेयर होती है एक्सीडेंट में तो यही सब होता है, खुलती है पूरी वापस से, बनती है दोबारा से। तो अब तक क्या क्या काम हो चुका है, और काम होने के बाद, फिटिंग एक बार करने के बाद, जरा फिटिंग करने के बाद वापस उसकी खोल की क्या हालत हो रखी है अभी। तो आप आगे वीडियो में देखो, वीडियो देखो और एंजॉय करो। और यही अपडेट है कि अब तक उसमें क्या क्या खुल चुका है और क्या उसका कबाड़ा हो रखा है। ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी हमारी नहीं है, पता नहीं किसी और की, देख रहा हूँ मैं। ऐसा लग रहा था मैं कबाड़ी के पास गया था अभी 2-3 दिन पहले, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक गाड़ी इधर कट के पड़ी है, एक इधर कट के पड़ी है, मतलब जहाँ पे गाड़ियाँ स्क्रैप होती है ना वहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि मेरी गाड़ी, ये मेरी नहीं है, मेरी गाड़ी को स्क्रैप कर दिया इन लोगों ने, ऐसी कंडीशन हो रखी है। लेकिन कोई नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन बन के आ जाएगी गाड़ी अपनी। तो अभी की करंट कंडीशन क्या है, आज हो चुकी है 26 मार्च, तो ये वीडियो आज शाम को ही आ जाएगी 6 बजे। तो 26 मार्च तक गाड़ी की क्या हालत है, आप वीडियो देखो आगे, आपको पता चलेगा। तो वीडियो देखो और क्या कुछ है, अगर कुछ छूट गया हो बाकी या कुछ आपको सलाह देनी हो तो आज ही कमेंट करके बताना, कल परसों तक, क्योंकि बाद में गाड़ी पेंट में जाने वाली है। तो ये वॉशिंग के लिए सारी चीज़ें खुल रही है, क्योंकि गाड़ी खोलने का रीज़न ये था कि सारी चीज़ें खुलने के बाद गाड़ी वॉश होगी, वॉश होने के बाद उस पर उसका जो पेंट है उसको हटाया जाएगा दोबारा से, पेंट हटाने के बाद उस पर वापस से दोबारा कलर रिअप्लाई होगा। इसलिए पहले वॉशिंग होगी कंप्लीट और फिर उसके बाद पेंट हटाया जाएगा, इसलिए पूरी गाड़ी खोली है। तो आप वीडियो आगे देख पाओगे कि क्या, किस तरीके से खोल खोल के क्या हालत बना दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो वाटर पंप और कैटेलिटिक कन्वर्टर और ऑयल बॉडी, ऑयल फिल्टर बॉडी चेंज हो चुकी है हमारी, तीनों चीज़ें नई लग चुकी है यहाँ पे। अब बाकी रहे तो यहाँ का काम सिर्फ सेंसर का बाकी रहा है, सेंसर लगना बाकी। इसको बोला जाता है वाटर पंप, जो कि ब्रांड न्यू लग चुका है गाड़ी में, और इसको बोला जाता है कैटेलिटिक कन्वर्टर। इसके सेंसर लगना बाकी है अभी दोनों, तो वो भी लग जाएंगे। और पुरानी कैटेलिटिक कन्वर्टर की हालत आप देखना चाहते हो तो ये देखो, इसकी हालत ये हुई पड़ी है। तो ये भी टूट चुका था तो इसकी वजह से ये भी चेंज हुआ। अब साइलेंसर नहीं मिला तो साइलेंसर मैंने कहीं से परचेज कर लिया है। आप अंदर से ये करंट कंडीशन, ये सामान देखो, इसका टूटा हुआ जो एक्सीडेंट में टूटा था वो पड़ा है। उसके अलावा ये शायद लाइट है, नहीं है, पुरानी है शायद, आई डोंट नो, पुरानी टूटी हुई पड़ी है। और अंदर से फिटिंग खुल चुकी है, सीटें वगैरह सारी बाहर है। और ये कबाड़ी है, इस कबाड़ी का ग्लास ये इसका नहीं है, पता नहीं कौन सी गाड़ी का है। छत वत यहाँ से छत टूटी थी, ये वापस रिपेयर हो चुकी है, इधर से भी इन्होंने रिपेयर कर दी है। हालांकि यहाँ पे वेल्डिंग नहीं करी है यार, मतलब क्या है, दोबारा गाड़ी अगर एक्सीडेंट होने के बाद बनवाओ ना तो वो वाली बात तो नहीं रहती है, मतलब पूरा क्या। देखो मैंने चेंज करने के लिए बोला भी था इनको, वो ही लगा दी वापस, उसी को वेल्ड कर दिया। ये है मामला इधर से, इस तरफ से देखो तो कुछ इस तरीके से पड़ा है इसका सामान के। इधर से देखो आप, नोटिस करो तो ये दूसरा लगा हुआ है नया, पूरा फ्रेम ऊपर वाला नीचे वाला दोनों नए हैं। इधर से देखो तो इधर की हालत, बोनेट भी नया पूरा, ये फेंडर नया है, इधर वाला फेंडर वो लेके नहीं आए अभी तक, ये भी चेंज हो रहा है। और ये फिटिंग खुल चुकी है आधी, कांच वाच हट गए यहाँ के साइड मिरर, और ये हैंडल वगैरह सब। ये है गाड़ी फ्रंट कंडीशन, ये है इधर वाला एयरबैग खुला पड़ा है, ये भी चेंज होगा। और कहाँ कहाँ पे क्या क्या है कंडीशन, ये देखो, इसमें डैम्पिंग कंपनी से भी होके आती है,
ये देखो यहाँ पर डैम्पिंग होके आती है कंपनी से, और स्पीकर के पीछे भी डैम्पिंग है। तो ये छोटी छोटी डैम्पिंग है तो कंपनी भी करके देती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और अंदर की हालत देखो आप, ये सीट बेल्ट लॉक हो चुका है, ख़राब है, चेंज होगा। और इधर से ये हालत देखो इसकी, ये तार तोड़ दिया, तो ये है इधर से हालत। क्लच चेंज होना, क्लच वायर ऐसे पड़ा है इधर से, अभी तो ये हालत इसकी खुली पड़ी है, पूरी बिखरी हुई है। ये खोली है, ये ख़राब हो चुकी है इधर से, और इधर से भी मोड़ दी पूरी, यहाँ से भी मोड़ दी इसको पूरी। और इधर से देखो तो आप, रस्टिंग होती है टाटा की गाड़ियों में, देखो अंदर है पूरा पैक, फिर भी हल्की हल्की रस्टिंग होती है इनमें, यहाँ पे भी देख सकते हो आप। डैशबोर्ड खुलने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है अंदर से नज़ारा, ये देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके का ब्लैक जो पार्ट दिख रहा है, ये टाटा का इंसुलेशन है, कोई ख़ास तो है नहीं, इससे तो सारी इंजन नॉइज़ वगैरह आ रही है, हीटिंग वगैरह अंदर आती है, फिर भी हाँ नाम मात्र के लिए लगा रखा है कंपनी ने, कोई नहीं, जो भी है अच्छा है। और यहाँ देखो यार, जंग खा गई पूरी, मतलब ये चीज़ें इतनी गंदी लगती है ना नई गाड़ियों में, शेयरिंग देखो, ऐसे चला लो यार इसको तो जोंगा बन चुकी है ये, ऐसे चला लो इसको, मस्त लग रही है। तो ये बाहर से ये हालत है। तो भैया जी बता देना ये कौन सी गाड़ी है, कबाड़ा हो रखी जो, ये है इसकी हालत। तो मैं बता दूँ ये बेसिकली टिगोर है, और इसकी ये हालत, एक्सीडेंट हुई है तो इस वजह से पूरी गाड़ी खुल के पड़ी है, यहाँ पे सर्विस सेंटर पर रिपेयर हो रही है। छोटी छोटी चीज़ें जिससे पहचान सकते हैं, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है। तो यही था छोटा सा अपडेट, कंडीशन आपने देख ली है क्या कंडीशन है इसकी और किस तरीके से। अब बेसिकली इसको पूरी इसलिए खोला जा रहा है सारी ट्रिम वगैरह, क्योंकि दोबारा से इस पर पेंट होगा, इसीलिए सारी चीज़ें बिल्कुल कम्प्लीट खोली जा रही है। खोलने के बाद इस पर दोबारा से रफ लगाया जाएगा, अच्छे से इसको उतारा जाएगा इस पुराने कलर को, फिर उसके बाद इस पर देन न्यू कलर अप्लाई होगा। तो डैशबोर्ड वगैरह की तरफ से ये हालत है, ये सारे फ्यूज बॉक्स वगैरह सब ये उतर जाएंगे। तो ये था छोटा सा अपडेट, और आई होप आपको पसंद आया होगा ये अपडेट। तो वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।